मैं रेणु शर्मा MBA इंटरनेशनल स्कूल से आज आपको आपके हिंदी फर्स्ट में पार्ट 4 बदल गई सुहानी नामक पार्ट पढ़ाऊंगी। इस पार्ट में सुहानी एक लड़की है जो कि एक होनहार छात्रा तो होती है पर वो एक लापरवाह लड़की होती है। तो इस पार्ट में ऐसा क्या उसके साथ घटित हुआ था, ऐसी घटना बताई गई है कि वो सुहानी बदल जाती है, यही हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। बदल गई सुहानी, देखिए अब सुहानी कैसे बदलती है। सुहानी अपने स्कूल की होनहार छात्रा थी, उसकी अच्छी आदतों के कारण उसे घर में सब प्यार करते थे। वो एक बहुत ही बुद्धिमान और होनहार छात्री, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसको उसके घर में सभी सदस्य थे वो उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी एक ही बुरी आदत थी कि वो अपना सामान सही जगह पर कभी भी नहीं रखती थी, सही जगह नहीं रखती थी। रोज़ सुबह वह कोई ना कोई सामान ढूंढने में सबको परेशान करती थी। वो कहीं भी अपना स्कूल से आने के बाद या कुछ भी कार्य करती है घर में तो वो अपना सही स्थान पर अपना सामान नहीं रखती थी, इससे उस सबको परेशानी होती थी। मम्मी रोज़ उसे प्यार से समझाती कि सामान सही जगह पर रखा करो, उसको समझाती थी पर वो अनसुना कर देती थी, नहीं सुनती थी वो उसकी मम्मी की बात। एक दिन वह स्कूल से चहकती हुई आई, बहुत ही खुश थी सुहानी, और वह स्कूल से आई और बोली, मम्मी मुझे कक्षा में सिर्फ मेरा ही चयन चित्रकला प्रतियोगिता के लिए हुआ है। उनके स्कूल में चित्रकला की प्रतियोगिता थी तो बहुत खुश थी, और जब स्कूल से आई तो घर पर आकर मम्मी को बोली कि मम्मी मेरा चित्रकला प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है, 2 दिन के बाद प्रतियोगिता है तो आप मेरी उसकी तैयारी करवा दीजिए। तो इस पर मम्मी उसकी बहुत खुश हुई, मम्मी ने खुश होकर सुहानी को गले से लगा लिया, ढेर सारा बहुत सारा उसको प्यार किया और उसे खाना खिलाया, उसकी तैयारी भी करवाई। अब क्या होता है, प्रतियोगिता के दिन मम्मी मेरे रंग के डिब्बे में पूरे रंग नहीं हैं, कल रात मैंने यहीं कहीं छोड़े थे। क्यों? क्योंकि उसकी आदत थी ना, वो सही जगह पर सही स्थान पर अपने सामान नहीं रखती थी। अब रात को उसने जब उसकी तैयारी करी प्रतियोगिता की तो उसने रंग के डिब्बे इधर उधर रख दिए, तो इसी कारण से उसके जो रंग के थे वो पूरे उस डिब्बे में नहीं थे। कहते हुए सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया, पूरा कमरा अस्त व्यस्त कर दिया, सामान इधर उधर, अलमारी बिखेर दी, पूरे सामान, पूरा कमरा उसने अस्त व्यस्त कर दिया। वह डरी हुई भी थी कि पूरे रंग नहीं होने पर वह क्या करेगी। भागती हुई मम्मी आई, कमरे की हालत देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो डर गई सुहानी कि मेरे रंग ही नहीं मिल रहे, मैं प्रतियोगिता में क्या करूँगी, कैसे करूँगी, मैं तो मेरा बड़ी मुश्किल से तो चयन हुआ है और मैं उसमें फेल हो जाऊँगी इस प्रतियोगिता में। तो इस कारण से उसने पूरे रंग ढूंढते हुए पूरा कमरा इधर उधर बिखेर दिया। तब मम्मी उसके कमरे में आई तो उस कमरे की हालत देखकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई कि सुहानी हमेशा अपना सामान इधर उधर फैला देती है। सुहानी तुम नाश्ता करो, मैं ढूंढती हूँ, वे रंग ढूंढते हुए बोली। सुहानी नाश्ता करने बैठ गई, जैसे माँ कमरे में आई सुहानी के तो परेशान हो गई, बोली कि तुम नाश्ता करने बैठो, मैं तुम्हारे रंग ढूंढ देती हूँ। और सुहानी नाश्ता करने बैठ गई। मम्मी ने सारे रंग ढूंढकर बॉक्स में रखे, इसके रंग के डिब्बे में रखे और उसे स्कूल भेजा, फिर पूरा कमरा व्यवस्थित किया। देखो उसने किस तरह से, सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर रखा है, सब सामान बिखेर दिए, तो उसकी माँ कमरे को व्यवस्थित कर रही, सब सामान स्थान पर रख रही है। जब दोपहर में सुहानी वापस विद्यालय से घर पर आती है तो बहुत खुश होती है। खुश होते हुए उसने अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी मेरा चित्र बहुत ही सुंदर था और जो मेरी सभी शिक्षिकाएं थी वो मेरा जो चित्र बनाया था उसकी बहुत तारीफ कर रही थी, देखना प्रथम स्थान मेरा ही होगा, मैं पहला स्थान पाऊंगी, प्रथम स्थान प्राप्त करूंगी। ऐसा कहते हुए उसने जूते उतार कर सही जगह पर रखे, फिर बस्ता, टाई, बोतल भी अपनी अपनी जगह पर रख दिए। अब ये क्या हैरानी थी, कैसे बदल गई थी, उसके अंदर ये परिवर्तन आ गए थे। वो विद्यालय से जब वापस आई तो उसने अपने सभी सामान अपने यथास्थान पर, अपने सही जगह पर रख दिए थे। मम्मी ने उसे हैरानी से देखा क्योंकि सुहानी तो कभी अपनी जगह पर अपने सामान रखती नहीं थी, तो सबको हैरानी होती है ना।
तो वो कपड़े बदल कर आई और रुआ से मतलब रोती हुई सी, थोड़ा सा रोने से उसकी सूरत बनी हुई थी, रोती, आंखों में उसके आंसू आ रहे थे। तो रुआ से स्वर में मम्मी से बोली, मम्मी आज सुबह अगर मेरे रंग न मिलते तो क्या होता। उसको एहसास हो गया कि अगर मेरे सुबह रंग नहीं मिलते तो आज मैं हो सकता है प्रतियोगिता में फेल हो जाती। मैं बहुत डर गई थी, आप सही कहती हो, मुझे अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। उसने अगर अपने उसकी मम्मी ने अगर उसकी मदद नहीं की होती, उसकी मम्मी नहीं होती, तो शायद वो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाती और वो प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाती। उसको उसकी मम्मी की बात याद आई कि मम्मी आपने सही कहा था कि हमें अपने सामान सही स्थान पर रखने चाहिए। यह कहती हुई सुहानी माँ से लिपट गई। इस तरह स्कूल की एक होनहार छात्रा होनहार बेटी भी बन गई है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें दूसरे पर अपने काम नहीं थोपने चाहिए, अपने जो भी सामान है हमें सही जगह पर रखना चाहिए ताकि समय आने पर हमें कोई परेशानी नहीं हो। थैंक यू।